खबर रीवा जिले से है, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां छात्र छात्राओं को साफ सफाई के साथ अपनी थाली स्वयं धोनी पड़ रही है। पूरा मामला नईगढ़ी विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मौहरिया से है, जहां शिवानी स्वसहायता समूह को मध्यान्ह भोजन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन समूह संचालक के द्वारा गुणवत्ता युक्त एवं मेनू के अनुसार भोजन नहीं बनाया जाता है एवं शासन के निर्देश हैं कि बच्चों की थाली समूह के द्वारा धुलाई जाएगी, लेकिन यहां पर बच्चे अपनी थाली खुद साफ करते हैं। वही विद्यालय के शिक्षकों को समूह संचालक का नाम भी नहीं पता। इस संबंध में जब विद्यालय के शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भोजन गुणवत्ता युक्त और मेनू के अनुसार नहीं बनता है। सब्जी चावल बना था। खाना खाए हैं आप? थाली भी अपने से धोए थे ना आप? अच्छा, और सर लोग खाना नहीं खाते हैं ना? आपका नाम क्या है? सपना पटेल। कहाँ से आते हैं आप? मौहरिया के ही हैं आप। किस क्लास में पढ़ते हो आप? छठवीं में पढ़ते हो। पूड़ी सब्जी खीर ये पापड़ कुछ मिलता है कभी? ये तो कब नहीं मिला, कभी नहीं मिलता। आंगनबाड़ी भर के और सर लोग खाना भी नहीं खाते। तो आप लोग थाली अब ना धोया करें, कल से धोएंगे? ना धोएंगे, नहीं धोएंगे। ठीक, हाँ, मेनू के आधार पर अभी नहीं बन रहा है। हाँ, लेकिन प्रयास किया जा रहा है, बार बार की नोटिस वगैरह दिया जा रहा है कई बार। अच्छा, समूह संचालक को? क्यों सर, समूह कौन संचालक कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? दीपक जी हैं। अच्छा, शिवानी स्वसहायता समूह। अच्छा, तो जैसे खाना मेनू के अनुसार नहीं बन रहा है तो आपने बताया उनको? कई बार नोटिस दिया और कई बार उनको बताया जा रहा है अभी पर सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं हो रहा है? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, स्टाफ थोड़ा ये है और संख्या कम है, उसके आधार पर चावल खाद्यान्न इत्यादि नहीं उसका नमूना बल्कि रखा जाता है किसी दिन। जैसे अगर आप भोजन नहीं करते हैं उसका नमूना रखते हैं तो नमूना देखकर आप इसकी गुणवत्ता कैसे पहचान लेते हैं, बड़ा सवाल है। नहीं, देखने के लिए यदि अच्छा भोजन दिखाई दे रहा है तो देखने में ही, कोई चीज़ के लिए नमूना तो देखने से ही पता चल जाता है, चखना तो फिर बात की बात है। अच्छा, तो जो ये चखने का आदेश है उसे आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं? अब स्टाफ 4-5 हैं, यदि सभी चख लेंगे तो फिर बच्चों को दिक्कत पड़ेगी, इसलिए नहीं चख रहे हैं और नमूना रखाया जाता है। यदि 5-6 लोग हम लोग बैठ जाएं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी ना। तो एक आध लोगों को तो खाना चाहिए, जैसे आप भोजन नहीं कर रहे हैं, मास्टर साहब ने बताया कि हम नहीं कर रहे हैं, फिर ये बच्चों को जो खाना खिलाया जा रहा है तो इसे आप लोग चेक कैसे करते हैं कि खाना कैसा है? नमूना के आधार पर छात्र स्वयं कहते हैं कि जिस दिन बढ़िया भोजन रहता है तो बताते हैं कि ठीक है। अच्छा, और जिस दिन खराब रहता है तो बताते हैं आपसे? हाँ, बताते हैं कि आज सब्जी ऐसा है।